तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने बैंक के साथ में NPCI DBT लिंक कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो भाई आप ये जान लो कि NPCI DBT लिंक होता क्या है, और फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिंक करना है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे मान लो आपका जो है वो तीन बैंक के अंदर खाता है, एक कैनरा बैंक के अंदर, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर और तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपका तीनों खाता में आधार कार्ड लिंक हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपका NPCI DBT लिंक केवल एक ही खाते में होता है। NPCI DBT लिंक को ही आधार सीडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और जिस खाते के साथ में NPCI DBT लिंक होगा, या फिर जिसे हम आधार सीडिंग कहते हैं, जिस भी बैंक के साथ में होगा उसी बैंक के खाते के अंदर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी, जैसे किरासन का, किरासन तेल का, या फिर गैस सब्सिडी, या PM किसान सम्मान निधि योजना, या फिर किसी भी राज्य से जो पेंशन्स दिए जाते हैं उन योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिंक करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउज़र में से किसी भी एक ब्राउज़र को खोलना है और टाइप करना है NPCI। ठीक है, NPCI को आप टाइप करने के बाद इसे आप सर्च करोगे। जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा www.npci.org.in। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद NPCI का ऑफिशियल पोर्टल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। इसी क्रम में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कंज्यूमर का। ठीक है, आपको कंज्यूमर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके फ़ोन के ऊपर कई सारे ऑप्शंस फिर से डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। ठीक है, BASE, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो आधार कार्ड यानी NPCI लिंक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखो, रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग का पेज आ चुका है। इसी पेज की सहायता से आप आधार सीडिंग कर पाओगे। NPCI DBT लिंक का मतलब भी आधार सीडिंग होता है। तो यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है 4x0, 4x1, 4x22। तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद दो ऑप्शंस बना हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर आधार, यहाँ पे सीडिंग है, दूसरा डी सीडिंग है। ठीक है, तो आपको सीडिंग वाला बॉक्स पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों सिलेक्ट योर बैंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिलेक्ट बैंक के ऊपर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों। अभी जो है, जैसा आपको पता है कि अभी हमारे देश के अंदर जितने भी बैंक हैं उनमें से कुछ बैंक का जो है ये फैसिलिटीज़ अभी ऑनलाइन लागू किया गया है। हालांकि सारे बैंकों का धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा का, कैनरा बैंक का, इंडियन बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये सारे बैंक का अभी जो है वो ऑनलाइन प्रोसीजर लागू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ हो गया। चलो सबसे पहले तो मैं बैक आ जाता हूँ। हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बैंक बता रहा था कि कौन कौन से बैंक का अभी लागू हुआ है। तो आप ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी बैंक है उनमें से कई बैंकों का यहाँ पे लागू हो चुका है। यहाँ पे सिंपली आप बैंक सेलेक्ट करने के लिए जो भी बैंक होगा उसका आप शुरू का लेटर डालिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे टाइप करूँगा, BANK। ठीक है, BANK, तो ऑटोमेटिकली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर में देखने को मिल जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको अपने बैंक का 2-3 लेटर डायल यहाँ पे टाइप करना है, आपका बैंक यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप बैंक को सेलेक्ट करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखो कह रहा है सीडिंग टैप। ठीक है, सीडिंग टैप के अंदर आपको फ्रेश सीडिंग वाला बॉक्स है, इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना खाता नंबर, अकाउंट नंबर डाल देना है, पूरा का पूरा। खाता नंबर डालने के बाद फिर से आपको अपना कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। खाता नंबर को आप कंफर्म करोगे, फिर यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, टिक मार्क्स लगा देना है। फिर से दोस्तों आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है,
और टिक मार्क करने के बाद जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे भरना है, फिर आपको प्रोसीड वाला बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही आप प्रोसीड वाला बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक 6 डिजिट का OTP आ जाता है, उस OTP को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई जैसे ही करोगे दोस्तों, उसके 24 घंटे के भीतर भीतर आपका NPCI DBT लिंक कर दिया जाएगा। चूँकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहां से अपना आधार सीडिंग कर लिया है, तो चूँकि हमारा आधार सीडिंग हो चुका है दोस्तों, जिस कारण से मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो भाई इसके लिए तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने यहीं से किया है, आप भी आसानी से कर सकते हो, बस आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करना है बस, ठीक है। OTP वेरीफाई करोगे, आपका NPCI DBT लिंक हो जाएगा, लेकिन होने के क्रम में दोस्तों आपको कम से कम 24 घंटे का वेट करना होगा, ठीक है। हो जाने के बाद फिर भाई जितने भी सरकारी पैसे हैं, जैसे PM किसान सम्मान निधि, या फिर LPG गैस सब्सिडी, या फिर किरासन तेल सब्सिडी, या जितने भी प्रकार के पैसे हैं, वो डायरेक्टली आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने आपके सारे क्वेरीज, सारे डॉट्स को क्लियर किया है। भाई किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, आपका भाई आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर है। बाकी भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।